आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा को आसानी से इस वीडियो में समझते हैं। नमस्ते, मैं वैद्य सर्वेश आजिक बार फिर हाजिर हूँ चरक चर्चा में। वेद अर्थात ज्ञान का समंदर, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तत्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ऐसा वेद जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु और इस आयु का मान वर्णन किया गया है, यही है आयुर्वेद। हित आयु मतलब जिसमें जीवन के हित, जीवन के लाभ या स्वस्थ जीवन जीने पर ध्यान दिया गया हो। अहित आयु मतलब जो विषय स्वस्थ जीवन जीने का दुश्मन हो। जैसे एक सूत्र में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब ये नियम कई व्यक्तियों के लिए मुश्किल कार्य है, किंतु स्वस्थ जीवन के लिए हितकर है, हित आयु है। उसी तरह से दिन में सोना बड़ा आनंद योग्य लगता है, किंतु स्वस्थ जीवन के रास्ते में रुकावटें लाने वाला होता है, अहित आयु है। सुख आयु का तात्पर्य सुखी जीवन से है और दुख आयु का दुख भरे जीवन से। जो व्यक्ति शरीर से, मन से, अध्यात्म से स्वस्थ होता है, जो ज्ञान, विज्ञान, यश, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, धन संपदा से युक्त हो और जो इच्छा अनुसार सारे कार्यों को पूर्ण करे, उस जीवन को ही सुखी जीवन कहा जाता है, अन्यथा वो जीवन दुखी जीवन कहलाता है। अब बात करते हैं आयु मान की, मतलब जीवन के उचित नापतौल की। इस समस्त संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन की समय सीमा तय है, उन प्राणियों के शरीर के प्रमाणों की सही मान तय है, इनकी जानकारी, उनके अनुचित प्रमाणों की जानकारी जिस वेद में है, यही तो है ब्रह्मोपदेश शास्त्र आयुर्वेद। दोस्तों, अगले वीडियो तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, फिर से हाजिर होऊंगा चरक चर्चा में कुछ अन्य टॉपिक को चुनकर। तब तक के लिए नमस्कार।